बेचने वाले के बेटे ने किया सीए एग्जाम में टॉप। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी, एक चाय बेचने वाले के बेटे ने जो है वो टॉप तो किया ही है। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है कि एक चाय बेचने वाले के बेटे ने इतनी महानत हासिल कर ली है कि अब वो दूसरे बच्चों के लिए भी जो है वो मोटिवेशन बन चुका है। अब दूसरे बच्चे भी उसे देखकर जो है वो आगे निकलना चाहते हैं। और जहां बात करते हैं सीए एग्जाम की, वहां पर भी सब लोग तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं वाकई में ये बच्चा जो है वो बहुत प्रतिभाशाली है। सबसे पहले आपको बता दें कि इसका नाम जो है वो वैभव महेश्वरी है, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल किया है। वैभव महेश्वरी की बात करें तो वो इसका सारा क्रेडिट अपने बड़े भाई को देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आज मैं दूसरों के लिए रोल मॉडल हूँ, अगर आज मैं दूसरों के लिए मिसाल हूँ, तो मेरे बड़े भाई जो है वो मेरे लिए मिसाल है। जहाँ पर बात करते हैं एक अच्छे बैकग्राउंड की, यानी मनी माइंडेड बैकग्राउंड की, तो वैभव महेश्वरी का कहना है कि मैं इतनी साउंड फैमिली से नहीं आता हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन मेरी लगन जो है वो मुझे आगे तक लेकर चली गई। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम था, जिसमें वैभव महेश्वरी ने सीए एग्जाम को क्रैक किया और ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल किया। वैभव अपने संघर्ष की कहानी सुनाते हैं। वैभव कहते हैं कि संघर्ष बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। और वैभव सुनाते हैं कि जहाँ मेरा इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन था, तब मैंने जो है ऑल इंडिया रैंक 50 हासिल करना था, लेकिन मैं विफल रहा। 15 मार्क्स मेरे कम थे, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन जब वैभव ने अपना रिजल्ट देखा और वैभव ने ये पाया अगले एग्जाम में कि वैभव ने जो है वो ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल किया, वैभव कह रहे हैं कि जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तब मेरे 15 नंबर कम थे और तब ऑल इंडिया रैंक 50 आना था मेरा, लेकिन जो नहीं आ पाया, जब मैंने देखा कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 10 आया है और सीए एग्जाम जो है वो मैंने क्लियर किया, वैभव ने कहा कि अब मेरे पास शब्द नहीं थे, मैं खुशी से नाचने लगा, मैं गाने लगा और मेरे माँ बाप को मुझ पर बहुत गर्व हुआ। वैभव अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं कि एक सपना सा लगता है मेरा इस एग्जाम को क्रैक करना, क्योंकि बेहद एक मामूली से रेस्टोरेंट में उनके बाप जो है, यानी उनके पिता जो है, वो चाय और कचौरी बेचते हैं। जहां पर आपको बता दें कि बहुत अच्छी बात है अगर देश के प्रधानमंत्री, जहां पर हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं, उनके इतिहास से जुड़ा हुआ पन्ना ये है कि वो भी चाय बेचा करते थे, कभी ऐसा वक्त भी था। तो आज देश के बच्चे, यानी उन वैभव महेश्वरी के पिता भी चाय और कचौरी बेचते हैं और आज उनके बेटे ने इतनी महानत हासिल कर ली है। वैभव के फादर जो है वो मानसरोवर जयपुर एक रेस्टोरेंट है, छोटा सा रेस्टोरेंट है, जहाँ पर वो चाय और कचौरी बेचने का काम करते हैं। और वैभव जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि वो 10 घंटे जो है वो पढ़ा करते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि वो ऑल इंडिया रैंक 50 में भी अपनी जगह नहीं बना पाए, तो उन्होंने अपनी स्टडी को 10 से 12 घंटे किया और सोचा मैं अपने आप को कठिन परिश्रम से गुजारूं तो मैं पढ़ सकता हूं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि वैभव से बात करते हुए पता चलता है कि वैभव अपने भाई, बड़े भाई से जो है वो बेहद इंस्पायर्ड है। और वैभव ने कहा कि मैं अपने भाई से मोटिवेट होकर इस रास्ते पर चल पड़ा कि अगर एक घर पर अगर एक सीए हो तो दूसरा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो कैसा लगेगा। वैभव की मदर जो है वो होम मेकर है और जो पिता है, हमने आपको बताया, वो एक सेलर है, टी और कचौरी बेचते हैं, एक रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो अपना ठेला लगाते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि वैभव ने बताया उनकी जर्नी कठिनाइयों से भरी रही, लेकिन पहले 10 घंटे पढ़ते थे, फिर 12 घंटे पढ़ना शुरू किया। और वैभव ने ये भी बताया कि बच्चे क्या करें, एक टिप वैभव अपने बाकी बच्चों के लिए दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रोज का एक टॉपिक उठाए, रेगुलर बेसिस पर उसे पढ़े और ऐसे पढ़े कि दिमाग में वो छप जाए, सोते उठते बैठते आपको उस टॉपिक की पूरी नॉलेज हो, कोई भी आपसे सवाल पूछे और आप रुके बिना उसका जवाब दे। वैभव यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सीए का फाइनल एग्जाम था, उसका रिजल्ट आते ही वो खुशी से झूम पड़े और खुशी से नाचने लगे और सबने उन्हें बधाइयां दी। और वैभव कहते हैं कि मेरे पास शब्द खत्म हो चुके हैं, इससे आगे मैं कुछ कह नहीं सकता। वाकई में एक चाय बेचने वाले के लड़के ने जो है उसका नाम रोशन किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे पूरे भारत में, हमारे पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में ऐसे बच्चे हैं जो नाम रोशन करते हैं। अगर आपकी भी कहानी ऐसी ही जुड़ी हुई है, आप हमारे जो है इनबॉक्स में हमें भेज सकते हैं, हम आपकी भी कहानी जरूर लोगों को सुनाएंगे। तो एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी वैभव महेश्वरी की, जिन्होंने सीए एग्जाम को क्रैक किया और ऑल इंडिया रैंक 10वें नंबर पर आए हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान सतला। पंजाब के नंबर 1 गुरुशान भारती ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 11 घंटों में हर समस्या का समाधान फोन पर घर बैठे करवाएं, जैसे मोहिनी वशीकरण करवाएं या तोड़वाएं, स्पेशलिस्ट वशीकरण मुठकरनी, किसी का किया कराया, तलाक केस, गेट एक्स लव बैक इन योर लाइफ, लव प्रॉब्लम लव लॉस्ट बैक, संतान का सुख ना मिलना, विदेश यात्रा में रुकावट, तनाव और विवाद की स्थिति बनी रहती है, तो ये संकेत अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप भी किस
किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें गुरु शान भारती जी से +9198786400089। धन्यवाद।